नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले बस्तर कलेक्टर की आज एक नई तस्वीर फिर सामने आई। ना कोई सायरन ना कोई लग्जरी गाड़ी, सीधे अपने सहकर्मियों को लेकर निकल गए सुबह साइकिल से शहर में। चल रहे निर्माण कार्यों को देखने जब कलेक्टर शहर में भ्रमण कर रहे थे, तभी शहरवासियों की नजर पड़ी कि ये कौन जा रहा है साइकिल में। सीधे गोल बाजार बस्तर कलेक्टर पहुंचे और व्यापारियों के लिए बनाए जाने वाले बाजार का निरीक्षण किया और उनसे बातचीत की। काफी देर तक उनके बीच रहने के बाद कलेक्टर साइकिल चलाते चलाते पहुंच गए सीधे जिले के सबसे बड़े महारानी अस्पताल में। फिर क्या, जिले के कलेक्टर का औचक निरीक्षण की जानकारी जैसे ही डॉक्टरों और स्टाफ को लगी तो हड़कंप मच गया और खड़े हो गए सामने। वही कलेक्टर ने पर्ची काटने व दवाई वितरण करने वालों से बात की और इसके बाद सभी वार्डों में जाकर मरीजों से हालचाल जाना। तभी कलेक्टर की नजर ड्यूटी में आने वाले डॉक्टरों और स्टाफ के रजिस्टर में पड़ी, जिसके बाद कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही बरतने वालों को सो कॉज नोटिस जारी किया और अस्पताल अधीक्षक को आदेश दिया कि बस्तर के सबसे बड़े अस्पताल में कोई कमी खामी नहीं रहनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार आने वाले सभी मरीजों का इलाज समय में किया जाए, साथ ही लगातार डायलिसिस को लेकर मिल रही शिकायत पर भी दिशा निर्देश कलेक्टर द्वारा अधीक्षक को दिया गया। वही मीडिया से बातचीत करते हुए बस्तर कलेक्टर ने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए सभी अपना काम ईमानदारी से करें और महारानी अस्पताल को एक अच्छे अस्पताल के रूप में जाना जाए। औचक रूप से सुबह 9 बजे हमारे द्वारा दौरा किया गया कि ओपीडी के शुरुआत में डॉक्टर्स कितने पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, उसका हम खुद आकलन कर लें। लगभग सभी डॉक्टर्स टाइम पे थे, जो एक दो लोग बिना सूचना के उपस्थित थे उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, आगे में कमी क्यों रूप से महारानी अस्पताल हमारे प्रायोरिटी का अस्पताल है, ये बहुत केंद्र बिंदु है बस्तर की पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को, तो उसको देखते हुए जो भी कमियाँ होंगी उसको पूर्ण किया जाएगा और अभी तत्काल इसको कमियों को पूर्ण करने के लिए सीएस साहब को निर्देशित भी किया है। अस्पताल में डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको बेहतर सुविधा का विस्तार हो सके उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अभी नेफ्रोलॉजिस्ट का भी हम लोग यहाँ से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, साथ में डायलिसिस के टेक्नीशियंस और उनके सपोर्टिंग स्टाफ के भी हम लोग अभी भर्ती कर रहे हैं। आमजनों को चाहे वो आधी रात को भी आए उनको पर्याप्त सुविधा हो, कोई मदद करने के लिए हेल्पर भी रहे, इसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं। साथ में जो अक्सर शिकायत मिलती है कि रेफरेंस जो महारानी से होता है कई बार ज़्यादा उसमें तथ्य नहीं होते उसके बाद भी होता है, उसके लिए सीओ जिला पंचायत साहब को निर्देशित किया है कि सिविल सर्जन साहब के साथ बैठ करके एक एक जो रेफरेंस हुआ है पिछले सप्ताह में उसको चेक करें और यदि कोई कमी पाई जाती है उसमें कार्रवाई की जाएगी।